55 से 60 रुपया पर डे, जरा सोचिए 55 से 60 रुपया पर डे दिया जाता है इन महिलाओं को खिचड़ी बनाने के लिए, और एक महीना लगातार ये लोग गैस के सामने बैठ के खिचड़ी बनाती हैं, और उसके बाद से इनको 1650 रुपया दिया जाता है। अब जरा सोचिए 1650 रुपया दिया जाएगा तो ये लोग भ्रष्टाचार करेंगे कि नहीं करेंगे? तब राशन बेचना पड़ता है मजबूरी में। अच्छा, क्या बोल रही हैं आप? अभी टाइम से पैसा नहीं मिलता है। मैडम जी, आप रिकॉर्डिंग कर रही हैं क्या? देखिए मैडम, एक मैं बात बताता हूँ, आप प्रिंसिपल हैं, मैंने आपको कहीं कुछ नहीं बोला है, अगर मैं आपसे दो चार गो उल्टा सीधा सवाल पूछ दूंगा तो फंस जाइएगा मैडम। तो आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, और मैं अपने सर पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। अब वो छोड़िए, वो हम फिक्स होने वाले आदमी में से नहीं है, वो हमारा छोड़ दीजिए, आप अपना काम कीजिए और ये वीडियो आ जाएगा। और मैडम, मैंने यहाँ के किसी भी शिक्षक से उल्टा सीधा सवाल नहीं पूछा है, मुझे मजबूर मत कीजिए। तो हम क्या? हाँ ठीक है, वो आप हमारा स्टिंग कर रही हैं, हम मीडिया वाले हैं, दिन रात स्टिंग करते हैं, आप अपना काम कीजिए ना, आप पढ़ाइएगा बच्चों को ना, तो बच्चों का भविष्य बचेगा, और हम मीडिया वाले सही चीज़ों को दिखाएंगे ना, तो देश का भविष्य बचेगा। तो दोनों को मिलकर को देश का भविष्य बचाना है। अच्छा चलिए ठीक है, 1600 रुपया, 1650 रुपया मिलता है, और कितना महीना से नहीं मिला है? महीना से तीन महीना से नहीं मिला। तीन महीना से अभी नहीं मिला है? नहीं मिला है। हमने नाम मिले, अभी नाम नहीं चढ़ल। प्रभावती देवी के नाम। आप काम करती हैं? हाँ काम करती है। करती हैं। कितना महीना से नहीं मिला है? उतने से तो हमरो नहीं मिला। अरे कम से कम इन लोगों को 15,000 रुपया महीना दिया जाना चाहिए, 1600 रुपया महीना दिया जाता है, और मैडम जी को हंसी आ रहा है क्योंकि इनको 40-50 हजार रुपया दिया जाता होगा, इसीलिए आपको हंसी आ रहा है मैडम। बच्चे का खाना भी हम लोग बनाते हैं और पूरा फील्ड भी हम लोग साफ करते हैं। पूरा फील्ड भी साफ करते जी। हाँ। तब 1600 रुपया दिया जाए? हाँ। सिर्फ 1600। जरा सोचिए, सशक्त भारत की सशक्त महिलाओं को 1600 रुपया महीना दिया जा रहा है बच्चों का खाना बनाने के लिए, और पूरा स्कूल साफ करने के लिए, और वो भी तीन तीन महीना से नहीं दिया जा रहा है। जरा सोचिए इस बच्ची की क्या गलती है। हम लोग का दबाव डाल के काम किया करवाते हैं मैडम लोग। हमारा अभी नाम नहीं के चलो कहीं चौड़ी चौड़ी। जरा सोचिए, सरकारी स्कूल में खाना अगर इस प्रकार के भवन में बनेगा तो इसमें छिपकली गिर जाएगा तो कौन होगा दोषी? हालांकि जब छिपकली गिर जाता है तो इन लोगों से आके सवाल किया जाता है, इन लोगों को मारा पीटा जाता है, इन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, इन लोगों को भगा दिया जाता है, लेकिन इस प्रकार के भ्रष्टाचार को देश से क्यों नहीं भगाया जाता है? अगर इतना पैसा में नहीं करोगे तो हम लोग दूसरा रख लेंगे, जाओ जाओ जाओ। 1600 रुपया में काम कराया जाता है, अगर 1600 रुपया में काम नहीं करोगे तो दूसरा को रख लेंगे, जरा सोचिए। और सब एक एक बर्तन में बन जाता है जी। बर्तन में जी, बर्तन भी कमी है, बर्तन भी सही। एक एक बर्तन में जो है ना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जरा सोचिए। मैडम क्या नाम हुआ आपका? सरिता कुमारी। अच्छा ये बताइए, आपके स्कूल में आया मैं, शिक्षकों के खिलाफ कुछ बोला क्या? नहीं नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ बोला, सही है कि नहीं? जी। सही है ना मैडम? एक महीना हो गया है स्कूल खुले हुए और खाना सिर्फ और सिर्फ आज से शुरू हुआ है, इस पे क्या कहना चाहती हैं आप? ये तो प्रॉब्लम जो है, ये वेंडर का प्रॉब्लम था, सामान नहीं आया था इसलिए। मतलब सामान लाने में एक महीना लग गया मैडम, सही है ना? एक महीना से बच्चे जो है वो भूखे पड़ रहे थे। अब जो भी है, अब जो भी सच्चाई है वो हम बता रहे हैं। मतलब एक महीना से नहीं बन रहा था ना, आज पहला दिन बन रहा है ना, वो भी मीडिया को देख के बन रहा है शायद। नहीं नहीं, ये थोड़े मालूम है कि आज मीडिया आने वाला है, वो तो आप लोगों को पहले ही से पता था, जब हम बाहर थे तभी पता था। नहीं, ये सब के चक्कर में हम लोग नहीं रहते, कौन आ रहा है। कितना क्लासरूम है इस स्कूल में? इसमें आप अभी गिनती किए ना, काउंटिंग किए हैं ना? हम नहीं काउंटिंग किए, आप प्रिंसिपल हैं तो आपको पता। 16-17। अच्छा 16-17 क्लासरूम में, कितना क्लासरूम सही है? एक क्लासरूम सही है क्या इसमें? जो सही क्लासरूम है वो उसमें लेके चलिए, हमें दिखा दीजिए। 16-17 क्लासरूम है ना, उसमें से एक क्लासरूम जो भी सही है, जिसमें ब्लैक बोर्ड सही है, क्लासरूम सही है, प्लास्टर सही है, पंखा लगा हुआ है, वो क्लासरूम दिखा दीजिए। पंखा नहीं लगा? नहीं, जिसमें सब कुछ सही हो, पंखा छोड़ दीजिए, उसके अलावा सब कुछ सही हो। ऊपर जाकर चेक कर लीजिए। चलिए चला जाए, देखा बेंच नहीं, बेंच नहीं। जरा सोचिए, एक क्लासरूम जो है 16 कमरों का इस स्कूल में सही नहीं है। अच्छा ये बताइए, कितना क्लास तक है ये स्कूल? 8 क्लास तक। 8वां क्लास तक? 8वां क्लास तक सरकार ने जनता के टैक्स के पैसे से 16 कमरा बनवाया ताकि बच्चे पढ़ेंगे, सही है कि नहीं है? जैसे प्राइवेट स्कूलों में
सेक्शन वाइज होता है, सेक्शन एक सेक्शन दो, वैसे ही व्यवस्था किया गया कि 16 क्लासरूम में जो है 8 क्लास तक के बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से एक भी क्लासरूम सही नहीं है, यहाँ तक कि बेंच भी नहीं है इस स्कूल में। अच्छा ये बताइए, बेंच का पैसा कौन खा गया, गाँव के लोग या शिक्षक या नेता? आपके पास तीन ही ऑप्शन है। नहीं बता सकते हम, क्योंकि हम न्यू बने हुए हैं, इसकी जानकारी हमको नहीं है। अच्छा कब बनी आप यहाँ पे प्रिंसिपल? 19 में दिसंबर में 20, 21 और 22 का आधा हो गया है, और अभी तक नहीं पता चला है कि आखिर इस स्कूल का बेंच जो है ना वो कौन खा गया, कैसे निकल गया और कैसे जो है बच्चे जो है नीचा बैठ के पढ़ते हैं। सही है कि नहीं मैडम जी? अच्छा ये गोडाउन है मैडम जी, क्या चीज का गोडाउन है? चावल रखा हुआ है इसमें, चावल का गोडाउन है। अच्छा एक महीना में कितना क्विंटल चावल बन जाता है इसमें? एक महीना में क्या बता सकते हैं, किससे पूछे हम? बिहार के गृह, बिहार कौन से सर हैं इसके? साउथ किशोर सर हैं, वो बताएंगे, वो इस सब का हेड है जी। आप सिर्फ और सिर्फ मतलब कि शिक्षा व्यवस्था के हेड हैं, खदान व्यवस्था के हेड जो है दूसरे सर हैं। अच्छा मैडम ये बताइए, बिहार के गृह मंत्री कौन है? आप हमारा एस्टिंग कर रही थी मोबाइल निकाल के, ऐसे हमने आपसे एक भी सवाल नहीं पूछा था, अब इसलिए मजबूरी में सवाल पूछना पड़ रहा है मैडम, क्योंकि आप मेरा एस्टिंग कर रही थी। बिहार के गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री देखिए एक्चुअली हमको अभी याद थे, लेकिन अभी रिप्लेस हो गया दिमाग। अभी याद था, अभी रिप्लेस हो गया। एक मिनट बिहार के खेल मंत्री कौन है मैडम, जो बच्चों को खेल कूद के बारे में बताते हैं? बिहार के, देश के नहीं, बिहार के। अगर ये घर गिर जाए तो आपदा मंत्री बिहार के कौन है? चूंकि आपदा में अवसर ढूंढता है बिहार का सिस्टम, तो आपदा मंत्री कौन है? मैडम अगर कोई पत्रकार आपको तंग नहीं कर रहा है ना, तो उसको आप भी तंग मत किया कीजिए, ठीक है ना? मैं कहीं आपसे सवाल नहीं पूछा था, ये तीन सवाल इसलिए पूछा मजबूरी में क्योंकि मेरा ही स्टिंग आप कर रही थी मैडम, चूंकि गुरु को मैं बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ मैडम, बस उम्मीद है कि आप लोग भी हमें रिस्पेक्ट देंगे, ताकि हम और आप मिलके तथा इस देश का पब्लिक जनता मिलके जो है ना सिस्टम सुधारेगा। वरना अगर आप सोचिएगा कि हम थोड़ा सा लूट लें, ये लोग सोचेंगे चुनाव के समय में थोड़ा सा हम पैसा लेके, और हम पत्रकार सोचेंगे कि थोड़ा सा नेता का इंटरव्यू पैसा से हम चला दें, तो देश नहीं बचने वाला है। उसके लिए इस देश के शिक्षक को, देश के जनता को और देश के पत्रकार को, साथ में देश के बुद्धिजीवी लोगों को ईमानदार बनना होगा। सही है कि नहीं मैडम? सही है। अच्छा आपसे भी हम पूछेंगे, चिंता मत कीजिए, आप भी हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाइएगा, उम्मीद कीजिए 100%। अच्छा ये बताइए मैडम, एक क्लासरूम मुझे दिखा दीजिए, एक क्लासरूम, सिर्फ आप प्रिंसिपल हैं, एक क्लासरूम दिखा दीजिए मैडम मुझे कि जो सही हो, जिसमें व्यवस्था सही हो, बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाया जा सके, एक क्लासरूम। अब जो आप देख रहे हैं नीचे वैसे ही क्लासरूम में, वैसा ही क्लासरूम, मतलब सही कोई नहीं है, बेंच नहीं है, बेंच नहीं। आपसे पूछेंगे सर, मौका देंगे हम आपको, ठीक है, आप हबड़ाइए मत, किस डायरेक्शन में आए, किसके डायरेक्शन में आए, धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं है, नहीं कर रहे हैं हम आपको मौका देंगे, पूरा मौका देंगे, हाँ ठीक, पूरा मौका दीजिए, हाँ पूरा मौका, ये पूरा मौका, आपको किसने डायरेक्ट किया कि आप करके ये सब सवाल करें, पूरा मौका देंगे हम आपको, आपको आप ऊपर जाकर चेक करें, क्लासरूम आप नीचे देखें, चलिए सर, सर हाँ चलिए सर, आजिए आजिए क्लासरूम, अभी देखेंगे हम लोग कि कौन सा क्लासरूम सही है, आजिए सर, हाँ आजिए, हाँ ये देखिए क्लासरूम में हम लोग जा रहे हैं, देख देख, ये देखिए ये क्लासरूम है, देख लीजिए, ये इस ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, देख लीजिए, और इस ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये है क्लासरूम, और देखिए दीवालों पे अश्लील अश्लील बातें लिखी गई रहती है, देख सकते हैं, ये देखिए दीवालों पे अश्लील अश्लील बातें, अश्लील अश्लील चित्र बनाया गया रहता है, देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, चलिए अश्लील चीजें बनाई, ये क्या है सर, इसका बताइए, ये सिंबल बताइए क्या है, ये वो लिख करके लुटाया गया, नाम ब्लैक बोर्ड पे लिखा गया, ये क्या है सर,
तोड़ करके लिखा, तोड़ करके लिखा, लिखा है सर, तोड़ करके लिखा, किसने लिखा है? बाहर बाहर आई आम। अरे सर किसने लिखा है वो लड़की का नाम ब्लैक बोर्ड पे बताइए ना। 9 साल से ये विद्यालय खंडहर बन गया है। 9 साल हाँ। एक मिनट सर, अंग्रेज बनाते हैं पुल और भवन तो 100 साल चलता है, आपका विद्यालय 9 साल में खंडहर बन जाएगा। देखिए ना, देखिए कैसा बना हुआ है, देखिए कैसा बना हुआ है, ये बहुत बाद का बना हुआ बिल्डिंग है और सारी की सारी व्यवस्था यहाँ ध्वस्त पड़ी हुई है। 10 सालों में इस स्कूल को पूरी तरह से मैंने बर्बाद किया गया है। ये 1.5 साल में 2 साल में ये हमारी सिस्टर कौन है सर? मैं एक छात्र का गार्जियन हूँ और दूसरी बात है ये मेरी छोटी सिस्टर है, ठीक है। ये हेडमिस्ट्रेस जो है, हेडमिस्ट्रेस जो है वो मास्टर के भाई साहब अभी आए हैं क्लासरूम में, ठीक है ना, और वो अब हमको जवाब देंगे और हमसे पूछेंगे। सर 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 एक मिनट सर, आप ऑथराइज पर्सन नहीं हैं मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। एक मिनट। दलित राइट एक्टिविस्ट है क्या? दलित राइट एक्टिविस्ट है और हम कहीं भी जा सकते हैं, ह्यूमन राइट पर काम करते हैं। ये दलित राइट एक्टिविस्ट हैं और ये बच्चों के भविष्य के लिए नहीं आए हैं। जो दलित के बच्चे इसमें पढ़ते हैं उनको भविष्य बचाने के लिए नहीं आए हैं। एक मिनट। ये जो है ना, ये आए हैं मैडम के भाई हैं, जो हेड मास्टर मैडम है ना उनके भाई हैं और उनका भविष्य बचाने के लिए आए हैं। सुनिए सर, सुनिए एक मिनट, आप चलिए बाहर, बाहर से हम आपसे बात करेंगे, लेकिन हमको स्कूल दिखाने दीजिए। स्कूल देख लिया ना? हम दिखा रहे हैं ना। एक मिनट सर, हम दिखा रहे हैं ना आपके, एक मिनट, आपके सारे सवालों का जवाब जो है बाहर से दिया जाएगा। आपको ये बातें लिख करके दी जा चुकी है। आपको कैसे पता चला? आपको कैसे, आपकी बहन स्कूल के सारी बातों को आपको बताती है? नहीं, वो लिख ये देखिए, ये देखिए, बात मत कहिए। हाँ, वो लिख करके दी है, मैंने ले जाकर कैसे पता चल गया? मैंने ले जाकर गड़ी ऑफिस में जमा किया है सारा। पोस्टमास्टर है क्या? पोस्टमास्टर नहीं है। देखिए, सरकारी स्कूल का एप्लीकेशन जो है हेडमास्टर जो है अपने भाई को देती है और भाई साहब ले जाकर ऊपर देते हैं, जबकि नियम क्या है कि सरकारी स्कूल का एप्लीकेशन जो है ना यहीं से बाई पोस्ट जो है ऊपर जाना चाहिए, और शायद इसीलिए एप्लीकेशन जो है ना मैडम लिख के देती होंगी, ऊपर नहीं पहुंचता होगा, इसीलिए स्कूल खंडहर बना हुआ है। खंडहर की जिम्मेवारी दूसरा कोई है? हाँ। ये खंडहर की जिम्मेवारी भाई साहब दूसरा कोई है। आपकी बहन कितने साल से है इस स्कूल में? वो 19 में बनी, 20 में कोरोना का पीरियड रहा और ये यहाँ का जो फंड है, फंड का मोबिलाइजेशन नहीं हुआ है सचिव और हेडमास्टर में तानातानी की वजह से। आप हाँ, सचिव और हेडमास्टर में तानातानी की वजह से फंड का मोबिलाइजेशन नहीं हुआ है सर। सचिव और हेडमास्टर, एक मिनट रुकिए ना, सचिव और हेडमास्टर में तानातानी क्या क्यों लगा है? अरे सर, ये वाला फॉर्मूला अपना रहे हैं कि हम आप पे जाके एगो केस कर देंगे सर। अरे सर रुकिए, हम हेडमास्टर मैडम से बात कर रहे थे, आप क्यों आए? आपका काम है कि आप बाहर आते, हमको बुलाते, हम आपके सवालों का जवाब देते। खिचड़ी का आज से प्रारंभ हुआ है। कितना, सुनिए, कितना दिन पहले स्कूल खुला है? स्कूल खुला है एक महीना हो गया। हाँ, पहला हो गया। एक महीना हो गया। एक महीना में आपको हाथ नहीं लगाएंगे, रुकिएगा तब ना। रुकिए, बंद कराएंगे। आपको किसने इनवाइट किया आने के लिए? हम मीडिया वाले हैं। चलिए, ये भाई साहब हम पे एक किता केस कर दें। हाँ। ये किता केस कर दें, क्योंकि ये स्कूल के कोई नहीं है और हम मीडिया वाले स्कूल में नहीं घुस सकते हैं। चलिए सर, आपसे साक्षात लड़ूंगा मैं और आपको दिखा दूंगा कि हाँ, आपसे लड़ूंगा मैं। अब आपको मैं दिखा, आपको धमका नहीं रहा हूँ। आप चलिए केस कीजिए मेरे ऊपर, आप जो करना कीजिए। मैंने कुछ अपशब्द बोला कि किसी को मैंने गलत सवाल किया? अरे दलित के बच्चे पढ़ते हैं इसमें। एक मिनट, दलित एक्टिविस्ट है, दलितों का हक मारने का प्रयास ना किया जाए। आपको नहीं बोल रहे हैं, हक नहीं मारे इस देश के, दलितों का हक मार रहे हैं। अगर नहीं मार देना तो ये बच्चों का भविष्य जो है ना अंधकार में नहीं होता। देखिए, ध्यान से देखिए इन बच्चों का। ये देखिए, लड़की का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है। लड़की का नाम क्यों लिखा गया? ये भी तो किसी की बेटी है ना, ये भी किसी की बेटी है। क्यों लिखा गया यहाँ पे? क्यों लिखा गया है यहाँ पे? संगीता क्यों लिखा गया? ये भी तो किसी की बेटी है। ये देखिए यहाँ पे इन 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 ब्लैक बोर्ड पे जो है बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इसमें कैसे पढ़ेंगे बच्चे? यहाँ पे जगह जगह पे छेद है। और एक और चीज सुनिए, हम आपसे नहीं बात करेंगे। और सुनिए, मीडिया वाले स्कूल में घुस नहीं सकते हैं, लेकिन एक्टिविस्ट घुस सकते हैं। इनको किसने अधिकार दिया घुसने को? हम कहीं भी भ्रष्टाचार हो तो उसको दिखा सकते हैं। इन
हमें किसने अधिकार दिया है? तो हम इस भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए अगर हम गलत है तो सरकार हमारे ऊपर केस करे, लेकिन ये क्यों घुस गए? ये प्रिंसिपल के भाई हैं और इसलिए प्रिंसिपल दलित के नेता दलित के बच्चों के लिए नहीं आए हैं, अपने घरेलू बहन को बचाने के लिए यहाँ पर है। दलित के बच्चों के लिए नहीं तो क्यों आए? दलित के एक मिनट, इसमें दलित के बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं। दलित के बच्चों का भविष्य बन रहा है इसमें? नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है। को बचाना है अपने प्रिंसिपल। और ये किसको बचाने आए हैं? अपनी बहन को बचाने लाए हैं। बहन को बचाने, अपने बहन को। ये लोग गलत भाई।